गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। माई नेम इज़ आकांक्षा, वेलकम बैक टू माई चैनल आकांक्षा की नज़र से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम किचन में आ चुके हैं फ्रेश होके, और आज अचानक से मन हुआ नाश्ते में बनाने का, पूरी और परवल आलू की सब्ज़ी। तो इसे हम आज अभी बनाएंगे, आज नाश्ते में यही हमारा रहेगा। तो इसके लिए हमने परवल को ले लिया, अच्छे से धो दिया था उसे, और पतला सा उसका छिलका निकाल लिया था, हल्का सा एकदम। और उसके बाद फिर हमने उसे गोल गोल कट कर दिया है 2 टुकड़ों में, अगर बड़ा है तो उसे 3 टुकड़ों में, और छोटा परवल है उसे 2 टुकड़ों में। उसके बाद फिर हमने आलू को भी ले लिया था, उसे भी उसी तरह कट कर दिया। और इसके साथ हम बरी को भी डाल देंगे जो मार्केट में मिलता है, और ये एक्चुअली कोहरे का होता है, तो उसके साथ हम मिक्स करके इसमें हम बनाएंगे, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस इस तरह से हमने उसे लेके और कढ़ाई गरम करने के बाद तेल डाल के इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लिए हैं, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। तो फिर इस तरह से हमने इसे फ्राई कर दिया है और उसे निकाल लिया। फिर हम उसी कढ़ाई में थोड़े तेल और ऐड कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे जीरा, ग्रीन चिली, और फिर हमने ले लिया है थोड़े से 3-4 लौंग और दालचीनी, और साथ में हम प्याज भी इसमें डाल देंगे, और हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर को, जो हमने कट करके रखा हुआ था। टमाटर को हम ऐसे मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है ग्राइंड करने का उतना कोई खास, तो फिर हमने ग्राइंड नहीं किया है। और फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो हमेशा हम फ्रिज में पीस के ही रखते हैं, क्योंकि अचानक से अगर कुछ भी बनाना तो आराम से फटाक से हम निकालते हैं फ्रिज से और जल्दी से हम बना लेते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर पीस के ही रख देते हैं फ्रिज में, तो कम से कम 1 वीक हमारा हो ही जाता है। उसके बाद साथ में हमने ऐड कर दिया इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और फिर नमक हमने ऐड किया इसमें, और इसमें हम पानी डाल के ढक के इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए मसाला, इसका कच्चापन निकल जाए। तो इस तरह से हम मसाले को अच्छे से पका लिए हैं, और अच्छे से इसे हम भून लेंगे, और हम इसमें डाल दिए लाल कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए हमने इसमें लाल कश्मीरी मिर्च डाला है, तीखा मिर्च नहीं डाला है, क्योंकि हमने ग्रीन चिली इसमें डाल दिया है ऑलरेडी, इसीलिए। तो बस इस तरह से हम सब्जियों को भी डाल देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे, क्योंकि हमारा मसाला भी भुना हुआ है, और हमने परवल आलू को भी फ्राई करके निकाल लिया था, तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे, और फिर हम इसको भुनने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। और फिर इसे हम अच्छे से ढक देंगे ताकि परवल और आलू अच्छे से गल जाए। और जब तक वो हमारा पक रहा है तब तक हम आटे को निकाल लिए हैं, और इसे हम गूँथ लेंगे पूड़ी के लिए, और इसमें हम डाल देंगे अजवाइन और काला तिल, साथ में नमक भी ऐड कर देंगे। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने स्किप किया है, इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है। तो बस इसे अच्छे से हम गूँथ लेंगे,
और गीला नहीं करना है, हल्का कड़ा ही रखना है, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए आटा। और यहाँ ये हमारा सब्जी भी अच्छे से गल चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और साथ में धनिया पत्ता भी। अगर आपको करी का खाना है तो आप रस डाल सकते हो, नहीं तो फीकी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें करी नहीं चाहिए, हम फीकी खाएंगे, तो इसमें हमने रस नहीं डाला है, पानी को ऐड नहीं किया है दोबारा से। तो बस इस तरह से हमारा परवल आलू की सब्ज़ी बन गई है और हम फटाफट से बना लेंगे पूरियों को। और ये पीसेस में काट देने से जल्दी से इसका लोई बन जाता है। तो बस इसे हम बेल लेंगे और सारे पूरी को हम बेल के रख लेंगे ताकि बनने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से हम लोइयों को बेल लेंगे और उसे हम छान लेंगे, तल लेंगे तेल में। और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही डालने से पूरी अच्छे से फूलता है। इस तरह से हमने सारी पूरी को तल लिए हैं और हमारा बन के नाश्ता रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा आज का नाश्ता कैसा है। इसी तरह मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। और अपने अपने घरों में बहुत ही अच्छे से रहिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।